चिंटी ट्यूशन से घर वापस आ रही है और वो बहुत उदास है क्योंकि उसके एग्जाम आ रहे हैं और वो नवरात्रि एंजॉय भी नहीं कर पा रही है। चलते चलते उसे रास्ते पे एक डांडिया मिलती है। और वो उस डांडिया को घर ले आती है। चिंटी घर आकर सोचती है, काश मेरे एग्जाम नहीं होते तो मैं भी गरबा खेल लेती। और चिंटी उस डांडिया को घुमाने लगती है। तभी चिंटू आके उसे बताता है कि चिंटी तेरे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। अब चिंटी बहुत खुश है। और ये क्या, चिंटी की डांडिया का कलर चेंज हो जाता है। क्या ये कोई मैजिकल डांडिया है? अब चिंटी बहुत खुश है कि वो नवरात्रि एंजॉय कर पाएगी। तभी चिंटी को ख्याल आता है कि उसके पास गरबा में जाने के लिए कोई ट्रेडिशनल ड्रेस ही नहीं है। तब वो डांडिया घुमाते हुए सोचती है कि काश मेरे पास गरबा में जाने के लिए ड्रेस आ जाए। और ये क्या, चिंटी की ये विश भी पूरी हो जाती है। अब उसे पता चल चुका है कि ये कोई मैजिकल डांडिया है। अब चिंटी गरबा खेलने के लिए रेडी है। Wow! और वो गरबा खेलने के लिए निकल जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके सारे फ्रेंड्स बाहर गए हैं और वो गरबा किसके साथ खेलेगी। अब चिंटी मैजिकल डांडिया से विश मांगती है कि कोई उसका फ्रेंड यहां आ जाए। अब चिंटी का फ्रेंड तो आ चुका है लेकिन उसने गरबा के कपड़े नहीं पहने। फिर चिंटी डांडिया से मैजिक करके उसे रेडी कर देती है। और वो दोनों गरबा खेलने के लिए निकल जाते हैं। सोसाइटी में डिनर लग चुका है और अब चिंटी डिनर करने के लिए जाती है। तभी उसे चिंटू भैया की याद आती है। फिर वो उस मैजिकल डांडिया से चिंटू भैया को भी यहाँ पे बुला लेती है। अब चिंटी बहुत खुश है और वो दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। अब चिंटी गरबा खेलते खेलते थक गई है और कुर्सी पे बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक शरारती बच्चा उसका पर्स लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद जब चिंटी की आंख खुलती है और उसकी मैजिकल डांडिया भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती है। तभी वो माता रानी के पास प्रार्थना कर रह जाती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।